नमस्कार, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आइए आज शुरू करते हैं आज की बुलेटिन। पीएम मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामना, अच्छे स्वास्थ्य और राष्ट्र की समृद्धि की कामना के साथ देश को आगे बढ़ाने का दिलाया भरोसा। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए, आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। 2021 के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद। नववर्ष पर पीएम मोदी का देशवासियों को तोहफा, 2022 तक सबको घर उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी ने लॉन्च की लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना। शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त में मकान। एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये योजना, इस योजना का लक्ष्य हमारे वो श्रमिक साथी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर गांव से शहर आते हैं। कोरोना के पहले तो हमने देखा था कि कुछ जगह से अन्य राज्य से आए लोगों के लिए अनाप शनाप कभी कभी बातें बोली जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था, लेकिन कोरोना के समय सारे मजदूर अपने अपने यहां वापस गए तो बाकियों को पता चला कि इनके बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, कारोबार चलाना कितना मुश्किल है, उद्योग धंधे चलाना कितना मुश्किल है, और हाथ पैर जोड़ करके लोग लगे वापिस आओ वापिस आओ। कोरोना ने हमारे श्रमिकों के सामर्थ्य को, सम्मान को जो लोग स्वीकार नहीं करते थे उनको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। आज मिल सकती है कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल देने पर होगा फैसला। भारत में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट उपलब्ध कराएगा कोरोना वैक्सीन। नए साल के पहले दिन ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भारी इजाफा। मुंबई में 19 किलो गैस सिलेंडर की कीमत हुई 1280 रुपये। पेट्रोल और डीजल की दरों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, कई जिलों में छाया घना कोहरा। शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, ठंड ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड। विजिबिलिटी हुई जीरो। किसान कानून पर 8वें दौर की वार्ता से पहले किसान संगठनों की दिल्ली बॉर्डर पर बैठक। 80 संगठनों के प्रतिनिधि हो रहे शामिल। किसान नेताओं का बयान, कृषि कानून रद्द होगा तभी खत्म होगा आंदोलन। ब्रिटेन के ईयू से अलग होने पर पीएम बोरिस जॉनसन के पिता हुए नाराज। मांगी फ्रांस की नागरिकता, बोले मैं मूल रूप से फ्रेंच नागरिक। बोरिस के पिता स्टेनल जॉनसन पूर्व में रह चुके हैं यूरोपीय संघ के सांसद। लद्दाख में भारत और चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर चीन का अहम बयान। दोनों देशों के बीच हो सकती है 9वें दौर की कमांडर स्तर की वार्ता। 8 दौर की बातचीत रही बेनतीजा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उठाए थे सवाल। भीमा कोरेगांव की 203वीं वर्षगांठ पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दिए श्रद्धांजलि। जनवरी 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा शासकों के पेशवा योद्धाओं के बीच हुई थी लड़ाई। दलितों पर अन्याय के मामले में भी सुर्खियों में रहा है भीमा कोरेगांव। पुणे में बंद पड़े ओटा मार्केट का इस्तेमाल करेगी महानगर पालिका। बाहर से आए किसान, महिला बचत गुट, सीजनेबल विक्रेताओं को इस्तेमाल के लिए दी जाएगी मार्केट की जगह। मुंबई महानगर पालिका ने मनाया 29वां स्थापना दिवस। माझी वसुंधरा अभियान के जरिए नए साल की शुरुआत। प्रशासक अभिजीत बांगर ने दिलाया भरोसा। लोकाभिमुख और गतिमान प्रशासन के जरिए नागरिकों को सेवा और सुविधाएं। समस्या सुद्धा सुटल्या पाहिजे त्याच्यासाठी आम्ही मनापासून प्रयत्न करू। सर्वप्रथम मी स्वतः ऍक्सेसिबल आहे। एनी पर्सन, एनीबडी, एनी स्टाफ मेंबर कैन कम एंड पर्सनली सी मी। एनीबडी कैन सेंड मी अ मेसेज ऑन माय मोबाइल and tell me what the problem is. येतात ना आता सुद्धा बरेच लोक येतात। एखाद्याची अडचण आहे त्याला बदली हवी आहे, एखाद्याची आश्वासन प्रगती योजना रखडलेली आहे, एखाद्याचा अजून काही सर्व्हिस मधला प्रॉब्लेम आहे, एन्व्हायरमेंट चांगलं नाही, वरिष्ठांकडनं त्रास होतो, अनेक लोक येतात आणि प्रत्येक वेळी त्या तक्रारीची दखल घेऊन आम्ही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतो। ह्या झाला वैयक्तिक अडचण। त्याचवेळी काही संघटनात्मक अडचण, बऱ्याच वर्षांपासून ज्येष्ठता सूची झालेली नाही, बऱ्याच वर्षापासून आश्वासित प्रगती योजना प्रलंबित आहे, पदोन्नती होत नाही, रिक्रुटमेंट रूल मध्ये काही मॉडिफिकेशन गरजेचे आहेत,
ज्या संघटनात्मक गोष्टी आहेत त्या सुद्धा समजून घेऊन विनाविलंब जे दोन दिवसात होणारा काम आहे ते एक दिवसात झाला पाहिजे अशा पद्धतीने मार्गी लावण्याचा आपण प्रयत्न करतो. हे करत असताना त्या अधिकाऱ्याने आणि कर्मचाऱ्याने आपलं उद्दिष्ट विसरलं. आज के बुलेटिन में बस इतना ही. अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे हमारी मुलाकात. तब तक देखते रहिए टीवी वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.